हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस लर्निंग। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी लास्ट वीडियो जिसमें हमने संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करी थी वो आपको समझ में आई होगी। तो ये रही नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम संघ और इसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद एक से लेकर चार तक संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद एक कहता है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह का राज्यों का संघ होगा। देखिए, राज्यों का संघ होगा, तो यहाँ इस बात से दो बातें स्पष्ट होती हैं। इस अनुच्छेद से दो बातें हमको पता चलती हैं। वो एक है, पहली बात ये कि देश का नाम, तो यहाँ हमें देश का नाम पता चल गया। और दूसरा, ये अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो यहाँ हमें राज्य पद्धति मतलब संघीय शासन व्यवस्था के बारे में पता चलता है। ठीक है, अनुच्छेद एक के अनुसार भारतीय क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है राज्य क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार आदि। दूसरा है संघ क्षेत्र और तीसरा है भारत द्वारा अधिग्रहित किए गए, भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किए गए क्षेत्र, जैसे युद्ध के दौरान जो क्षेत्र जीते जाते हैं या संधि करके कोई क्षेत्र को अधिग्रहित किया जा सकता है। अनुच्छेद दो कहता है कि संसद को यह शक्ति देता है अनुच्छेद दो कि संसद आवश्यकता अनुसार संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ याद रखिएगा, यहाँ यह है राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। तो अनुच्छेद दो संसद को शक्ति देता है कि वह नए राज्यों का भारतीय संघ में नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करें और या फिर नए राज्यों का गठन कर सकती है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल की मदद से हम समझ सकते हैं। 100वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत भारत ने बांग्लादेश, जो हमारा पड़ोसी देश है, उससे कुछ भूमि उसको दी थी और उससे कुछ भूमि ली थी। तो ये जो काम किया गया था वो इस अनुच्छेद के अंदर किया गया था अनुच्छेद दो के अंतर्गत। ठीक है, तो हम सरल शब्दों ने अनुच्छेद दो को इस तरीके समझ सकते हैं कि ये अनुच्छेद नए नए राज्यों के प्रवेश व गठन से संबंधित है जो वर्तमान समय में भारतीय संघ के हिस्से नहीं है। अब हम अनुच्छेद तीन को देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद तीन नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों और सीमाओं और नाम में परिवर्तन से संबंधित है। तो भारतीय संघ के अनुच्छेद तीन कहता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के निर्माण वर्तमान राज्यों राज्यों की सीमाओं वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में हम समझें तो अनुच्छेद तीन भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन की व्यवस्था करता है। याद रखिएगा, भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद तीन के अनुसार संसद को अधिकार है कि वह किसी राज्य के एरिया में प्लस माइनस मतलब कि कम ज़्यादा कर सकता है, उसकी बाउंड्री कम ज़्यादा कर सकता है, स्टेट एक को स्टेट दो से जोड़ सकता है या उसको अलग कर सकता है, किसी राज्य को यूटी से जोड़ सकता है या उसको सेपरेट ही अलग कर सकता है, किसी राज्य का नाम बदल सकता है। जैसे हम उत्तराखंड को कभी कभी उत्तरांचल भी बोलते हैं, तो वहाँ के विधान तो वहाँ तो जो संसद है हमारी उसको आधिकारिक रूप दे सकती है अध्यादेश द्वारा। देखिए, अनुच्छेद तीन जो है उसको अगर लागू करना है तो दो शर्त हैं। पहले दो शर्तों को हमें पूरा करना होगा। पहला एक कि जो राज्यों में जो कोई भी परिवर्तन से संबंधित जो अध्यादेश है उसे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। जो हमारी पार्लियामेंट है, अगर उसमें इस अध्यादेश को पेश करना है तो पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक हो जाएगा। और इससे भी पहले दूसरी शर्त ये कहती है कि राष्ट्रपति अपनी पूर्व अनुमति देने से पहले उस अध्यादेश को उस राज्य के विधानमंडल में उस राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजेगा और ये जो मत है उसे एक निश्चित सीमा के अंदर देना होगा। देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो राज्य विधानमंडल जो अपना निर्णय देगा, जो अपना मत देगा राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति को मानने हेतु बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद चार।
तो देखिए सरल शब्दों में, बहुत ही इजी सरल शब्दों में हम समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 4 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश व गठन, जो हमने अनुच्छेद 2 में समझा था, और नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, जो हमने अनुच्छेद 3 में समझा था, वो संविधान के अनुच्छेद 368, देखिए जो ये जो 368 है, ये संविधान संशोधन का अधिनियम है, ठीक है ना, तो इसके तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया कोई भी परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नए राज्यों का गठन, देखिए आज़ादी के बाद से ही राज्यों का पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी, तो इसलिए भारत सरकार ने सबसे पहले धर आयोग की धर मतलब एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट को 1948 में पेश किया था। आयोग ने सिफारिश की थी कि जो भाषा जो राज्यों का पुनर्गठन है उसका आधार भाषाई कारक नहीं हो, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, परंतु कुछ कुछ कारणवश ये आयोग असफल हो गया, और जिसके कारण दूसरा आयोग बैठा, जेबीपी आयोग, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारमण। अब ये जो आयोग था इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की थी और इस बात को औपचारिक रूप से मना कर दिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए, ठीक है। अंततः 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। आयोग में 3 सदस्य थे, न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयलाल कुंजरू और के एम पानीकर। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी थी और राज्यों के गठन के 4 पैमाने बताए थे इस रिपोर्ट में। तो पहला पैमाना था कि देश की एकता, सुरक्षा का संरक्षण हो। दूसरा था भारत और सांस्कृतिक एक भाषा और सांस्कृतिक एकरूप रूपता बनी रहे। तीसरा पैमाना था कि वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क होना चाहिए राज्य के गठन के लिए। और चौथा था कि प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और उसका संवर्धन हो राज्य के गठन से। देखिए फजल अली आयोग था, उसकी जो सलाह थी वो भारत सरकार ने मान ली और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित करा, और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1950 के द्वारा भाग का और भाग खा को खत्म कर दिया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो नागरिकता के ऊपर होगा, तो इसके लिए आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।